क्या मुद्दे रहेंगे आपके, कौन से कामों पर वोट देंगे इस बार? राम राज्य होना चाहिए और क्या हिंदुत्ववादी एकदम। कोई भी आए हमें कमाना और खाने पड़ेगा ही, चाहे कोई बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे किसी का नेता रहे। जो पीता है वो पीता है, जो नहीं पीता उसको कौन पिलाएगा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम आएंगे। भाई साहब ये सब मिल भगत के खिचड़ी बना रहे हैं, ऐसी पका रहे हैं कि मिल बांट के खाएं। देश में एक ऐसी मार्केट जो अपने मार्केटिंग के कारण जानी जाती है, दिल्ली की सबसे बड़ी लोकप्रिय रिटेल मार्केट सरोजनी मार्केट, जहां पर आपको हर वर्ग के और हर तरीके के लोग मिलते हैं। हर तरीके का आप देख सकते हैं यहां पर सामान मिलता है, छोटी छोटी चीजों से लेकर के यहां पर तमाम बड़ी चीजें आपको दिख जाएंगी। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। देश भर में लोकसभा चुनावों का प्रचार है। देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को लोकसभा वोटिंग होनी है, ऐसे में आज हम आए हैं सरोजनी मार्केट जो कि देश की सबसे बड़ी एक रिटेल मार्केट भी मानी जाती है। यहाँ पर हम तमाम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। हम आपको बता दें कि इस मार्केट में ज्यादातर जो है यूथ आती है और उनके अलग अलग तरीके से अपनी राय रहती है। तो आइए सीधा लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे घूम फिर के काम करता हूँ, अपना पार्ट टाइम काम करके फिर यहाँ वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाते हो? किस चीज की? मैं शॉर्ट वीडियो डांस बनाता हूँ। अच्छा, डांस वीडियो बनाता हूँ। आप तो बहुत फेमस होंगे। फेमस नहीं, अभी मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, एक महीना हुआ अभी, तो अभी से बना रहा हूँ, अभी संघर्ष कर रहा हूँ। मुकेश एक बात बताइए, आप जानते हैं देश में लोकसभा वोटिंग हो रही है और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, किसे वोट देंगे इस बार? मैं तो यार शुरू से इंटरेस्ट में बीजेपी का हूँ भाई। बीजेपी को? बीजेपी का सपोर्ट, बीजेपी की, इसलिए मैं वो भी है, मुझे जो नेता अच्छा लगता है, देश के लिए अच्छा करता है, तो पब्लिक भी अच्छा लगता है, तो जो अच्छा करेगा उसको मैं जिताऊंगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ। बीजेपी के कौन से काम अच्छे लगे आपको? बीजेपी के मुझे काम अच्छा कोई नहीं लगा, बट मुझे अच्छा लगता है मोदी जी। मोदी जी अच्छा लगता है, उन्हीं के नाम पर आप वोट। हाँ, मोदी जी अच्छा लगता है आप। अच्छा, क्या नाम है सर? सुरेश कुमार दीक्षित। आप तो एक ओल्ड मैन है, आपने कई चुनावों को आते जाते देखा होगा। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे? क्या कारण है सर? सर कारण क्या है कि अगर बीजेपी है तो हिंदू जो है राष्ट्र ठीक है, जीवित है। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम क्या करते हैं? वो एजुकेशन करते हैं। एजुकेशन स्टूडेंट को? जी जी। एक बात बताइए, राहुल गांधी को जानते होंगे आप? जी। वो और मोदी जी, उन दोनों में कौन फाइट लगता है? मोदी जी। मोदी जी जी। और राहुल गांधी? अरे वो तो अब है, अब जैसा है सही है। अच्छा, बाकी एक बार उसको भी मौका मिलना चाहिए। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, कौन से कामों पर वोट देंगे इस बार? अब काम तो वगैरह मोदी जी है, राम राज्य होना चाहिए और क्या हिंदुत्ववादी एकदम। अच्छा, हाँ तो हिंदुत्व के लिए आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल। चलिए, और लोग? कोई भी आए हमें कमाना और खाने पड़ेगा ही, चाहे कोई बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे किसी का नेता रहे, कमा के मुझे खाने पड़ेगा। कोई तो आगे नहीं देगा, मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगा, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे मोदी रहे, चाहे कोई भी रहे, मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगा भाई, पहले चाहता हूँ। तो काम सही चल रहा है? काम सही नहीं चल रहा, मेहनत करो तो काम सही चलो, 400 300 200 बन जाता है, रोज का कमा लेता हूँ, अपना रोजी रोटी तो भाई कमाना ही पड़ेगा। कोई तो नहीं आके भाई बैठा रहूँगा, कोई बोलेगा ले ले भाई खा ले, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि मुझे यानी जो काम करेगा, जो विकास करेगा, आप उसे वोट देंगे? उसको दूंगा जो अच्छा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से सर। यूपी से? दिल्ली में रहते हैं? जी। तो एक बात बताइए, दिल्ली में सीएम केजरीवाल साहब है, कैसे लगते हैं आपको? जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया। हाँ जी, कौन से काम अच्छे किए हैं? बहुत अच्छा, पानी फ्री, बिजली फ्री, क्या नहीं किया यहाँ पे सीएम से। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है, उन्होंने शराब भी की है, दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बनाया है। सर इससे क्या होता है, जो पीता है वो पीता है, जो नहीं पीता है उसको कौन पिलाएगा? कोई जबरदस्ती पिला देगा क्या? कोई जबरदस्ती पिलाएगा? काम करते हैं? जी जी। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत डाउन चल रहा है। डाउन चल रहा है जी। तो इस बार क्या लगता है आपको, कौन आएगा? जो काम करेगा वही आएगा सर। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद, क्या आप यहीं पर ही काम करते हैं? काम तो यही करते हैं। हाँ। हमारा गांव उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जी सर। क्या लगता है इस बार आपको कौन आएगा चुनावों में? मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। बिल्कुल। क्या कारण है उसके पीछे? काम अच्छे अच्छे किए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम आएंगे। वो कभी नहीं आ पाएगा। क्यों ना, वो उसकी बस की नहीं है, वो आ जाए। पप्पू है? पप्पू है। हाँ। और मोदी जी? मोदी जी भगवान है, पार दिए। कौन से काम अच्छे लगे उनके? उनके हर काम अच्छे लगे। जैसे? अरे हम लोगों को राशन फ्री मिल ही रहा है, हमारी माता जी को 1500 रुपए मिलते थे पहले, अब 3000 रुपए। पेंशन वृद्धा पहले 1500 देते थे, अब 3000 दे रहे। और घर का शौचालय बना, इससे अच्छी क्या बात है? लेकिन जो विपक्ष है, केजरीवाल है, वो तो ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी जब से आई है उन्होंने बेरोजगारी कर दी। उनके उनकी तरफ कोई ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री लायक है? कोई कोई तो है नहीं। राहुल गांधी है तो क्या प्रधानमंत्री? उसमें तो ये नहीं पता चल रहा कि उनके अंदर तो कह रहे हम युवा है, युवा है, हम तो युवा है। वो सिर्फ कह सकते, कर नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर यही नहीं पता चल रहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सबसे पहली बात तो ये बात है, उनकी तरफ कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं, और कोई ऐसा चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ा।
तो हम लोग किस पे वोट दे भाई? मोदी जी जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ एक जुमला कर रही है भाई साहब, ये सब मिल भगत के खिचड़ी बना रहे हैं, ऐसी पका रहे हैं कि मिल बाट के खाएं। अच्छा ठीक है ना, ये सारा है उनके अंदर मुद्दा, और कुछ नहीं। 25 मई को जब वोटिंग होगी तो किसे वोट देंगे भाई? मोदी के अलावा है कौन? हम तो कह रहे बताओ, राम मंदिर कभी बना है? किसी ने बनाया? आज दिन तक किसी ने नहीं बनाया। वो मोदी ने बनाया 70 सालों के, कभी बनाया हो तो बोलो हैं? और क्या क्या नहीं काम किया, 370 धारा हट गई। पाकिस्तान हमारे लोगों पर हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है मोदी जी के, इतने अच्छे नेता और क्या चाहिए बोलिए। ऐसा नेता ना जीवन में आया ना कभी आएगा। क्या नाम है आपका? परमिंदर सिंह। क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। ठीक चल रहा है। असरोजनी मार्केट में आप जो है विजिट करने आए हैं, कैसे लग रहा है मार्केट का? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। यस। लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं 25 मई को, आप जो है युवा भी है, वोट डालेंगे, कौन से मोटिव रहेंगे, कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे? एक्चुअली अब तो ये देखना पड़ेगा कि किसने क्या काम किया, उसी हिसाब से हमें फिर डालेंगे कि अब बिल्कुल। एक्चुअली मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? बिल्कुल, तो इस हिसाब से मेरे को पता है कि मुझे किसको डालना है, क्या करना है। बाकी यह कि फुल में रिवील अब आपको नहीं कर सकता किसको डाल दूंगा। 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी की सरकार रही है, उनके कामों को कैसे देखते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हैं, पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से? नेगेटिव ये है कि जॉब्स जो हैं अकॉर्डिंग टू अदर पहले मतलब कम हुई हैं। हाँ, बाकी ये है कि जो है कि और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव करी है। बस ये है कि चल ही रहा है अभी तो फिलहाल, ये कह सकते हैं बस। अच्छा। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। तो इस बार क्या होगा फिर? अभी तो आइडिया नहीं है, देखते हैं 25 के बाद ही देखते हैं। 25 के बाद बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रमन। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से ही? आज आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, 25 मई को आप वोट भी डालेंगे? कितनी तैयारी चल रही है? तैयारी पूरी है। अच्छा, बीजेपी को ला रहे हैं वापस? बीजेपी को ला रहे हैं? बिल्कुल। क्या कारण है उसके पीछे? कारण तो क्योंकि हम देख रहे हैं, पहले दो बार भी बीजेपी रही, तीसरी बार भी उसी की लहर भी रहेगी, अगली बार भी रहेगी। क्या कारण है इसके पीछे सर? कारण एक नहीं है, कारण दो तीन है। हाँ बताइए। एक तो देश में विकास जो हो रहा है, दूसरा राम मंदिर है, तीसरा ये जो 370 हटी है वो है, और भी बहुत सारे जो घर घर वॉशरूम बने हैं और गांव में जो तरक्कियां हुई हैं, बहुत सारे रीजन है सर। अच्छा, अगर कांग्रेस कहते हैं कि ये सब 70 सालों में क्या हुआ है, तो 70 सालों में जो वो सब नहीं हुआ जो 10 सालों में हुआ। लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जब से मोदी आए तब से बेरोजगारी हो गई, युवाओं को रोजगार मिलना बंद हो गया और युवा जो है रील्स पर आकर सीमित हो गए। सर मुझे नहीं पता सर, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, मैं अभी 50,000 कमा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन बेरोजगार बैठा हुआ है। ये भाई है यहाँ पर, ये भी कमा रहा है, ये भाई है, ये अंकल है, ये भी कमा रहे हैं। बेरोजगार उनके लिए जो कमाना नहीं चाह रहे, जिन्हें मुफ्त का चाहिए फ्री का चाहिए। अच्छा, वो बेरोजगारी का डंका बजा रहे हैं। बेरोजगार कोई नहीं आज के टाइम पे। अरविंद केजरीवाल को आप जानते होंगे, आपके दिल्ली के सीएम है, वो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, लोगों को फ्री सुविधाएं दी, उसके बाद भी उन्हें हमें जो है जेल में डाल दिया। दिल्ली में केजरीवाल तो पता नहीं कैसे आया कैसे नहीं आया, सिर्फ ये उन वोटों पे आया जिन्हें मुफ्त की बिजली चाहिए, फ्री का किराया चाहिए। केजरीवाल ने तरक्की दिल्ली में कुछ नहीं की है, एज अ सीएम दिल्ली में उसका कोई योगदान नहीं है। आप कोविड के टाइम पे देख लो, खड़ा क्या कहते हैं, सेंटर गवर्नमेंट से जो फंड आया उसे खा गया। अगर एक महीने में मेरे 300 रुपये क्या कहते हैं बिजली का बिल आ रहा है, तो नेक्स्ट महीने में 1200-1400 ये बिल आता है। ये सब गोल गोल घूम के वहीं आ रही है। यानी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो और कुछ नहीं? फ्री का है सब कुछ, सब फ्री की रेवड़ी है ये, इसके जहाँ से मैं वही आ रहा है जिन्हें चाहिए। अगर बीजेपी हैट्रिक मारती है? मारेगी सर, मारेगी नहीं मारेगी। तो कौन से और बड़े काम हो जो आप चाहेंगे कि बीजेपी करे? यूसीसी, यूसीसी, यूसीसी जरूर आना चाहिए। हाँ। और क्या कहते हैं अपना एक दो मंदिर, ये अपना मथुरा काशी, ये काम होगा। हाँ। और ये जरूर होगा सर। चलिए धन्यवाद। तो आज हम आए थे दिल्ली की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट सरोजिनी नगर में, जहाँ पर हमने तमाम लोगों से पूछा कि देश में जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है। आपने देखा एक बड़ी डिबेट भी छिड़ गई, लोगों ने अपने अपने ओपिनियन भी रखे, कई तरह के सवाल बीजेपी के ऊपर उठाए गए, तो कई तरह की कामयाबी भी जो है बीजेपी को दी गई। देखना होगा जब 4 जून को रिजल्ट आता है तब क्या होता है। आपको वीडियो कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश, मैं था आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।